सावधान रहें, सतर्क रहें। क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। तो हे गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैंने क्या सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे, लेंथी का मतलब लंबा करेंगे। लंबा कैसे करेंगे कि इस वीडियो को खींचेंगे हम एक घंटा, मैं और प्रशांत अभी है नहीं, मैं अभी लेकर चलता हूँ, बारिश हो रही है ना बाहर, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो बाहर चलते हैं, इस वीडियो को हम एक घंटा खींचेंगे, देखते हैं हम कितना आप लोगों से बातें कर सकते हैं। जितना भी होगा हम लोगों से, हम उतने वीडियो को बड़ी करेंगे इस वीडियो को, है ना, मतलब एक घंटे तक हम लोग ब्लॉग करेंगे, जितना हो एक घंटे तक, मतलब आप सोच रहे हो कि एक घंटे का ब्लॉग आप देखो। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो को, चलो शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। और बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, मैं देखो आपको अभी टाइम वही 5:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, ठीक है टाइम मैंने आपको दिखा दिया, 5:30 हो रहे हैं, और हम इस वीडियो को 6:30 या फिर 7 बजे तक इसे वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बाहर बारिश हो रही है, तो हमारे गली का हाल हो रखा है पूरा। चलते हैं बाहर, बड़ी वाले कमरे में कोई नहीं है, और यहाँ से हम बाहर आ गए घर में। ये देखो गाइस, बारिश हो रही है कितनी, और वहाँ आगे तो पानी भर रखा है, दिख रहा है आपको। देखो वो अंकल जी जा रहे हैं, अंकल भैया तो कैसे जा रहे हैं। देखो प्रशांत को फ़ोन करता हूँ, प्रशांत को वहीं पर बुलाता हूँ कि आ जा बाहर, उसे फ़ोन करता हूँ, मैंने अभी उसे बताया नहीं है, उसे फ़ोन करके बुला लेता हूँ, बोले कि बाहर आ जाए, देख दिखाते हैं ऑडियंस को, बुलाते हैं आपको। तो गाइस बारिश तो और तेज़ होने लग गई है यहाँ पे, अब देखो, और इधर भी देखो पूरी गली शांत हो रखी है। और मैंने अभी स्कूटी यहाँ खड़ी थी, मैंने अभी अंदर कर दिया, देखो खड़ी हुई स्कूटी, और प्रशांत को फ़ोन कर दिया, आ रहा होगा, वहीं पर देखेगा आपको एकदम सामने, वो देखो और हाथ दिला रहा, आ जा। देखो पानी भर रखा है, चलो मैं जाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पहुँच जाऊँगा तो आपको मिलाता हूँ। तो गाइस प्रशांत तो अभी आ रहा है, तो चलो जब तक मैंने रिंग लाइट निकाली, रिंग लाइट को लगा लेते हैं, अपना सेटअप कर लेते हैं पूरा, ये इसमें लगा लेता हूँ पहले, मैं कहीं से रोकता हूँ मैं इसे पहले, है ना, इसमें करके और इसे घुमा देंगे। अभी आ रहा है, मैंने उसे फ़ोन कर दिया, आप लोगों को दिखाया, मैंने उससे बात कर ली, बोल रहा आ रहा हूँ, जब तक मैं लाइट वाइट सेट कर लेता हूँ अपना, फिर आज आपको पूरा एक घंटे का व्लॉग दिखाएंगे। ये देखो अभी भी कितने 5:40 हो गए हैं, ठीक है, और आ रहा था प्रशांत मेरे तक, चलो इसे लगा लेता हूँ पूरा, फिर आपको दिखा। देखिए गाइस, मैंने इसको मतलब इसमें लगा दिया, कस दिया है, और ये क्या है, हम मतलब एक और इंस्टा रील भी बना लेते हैं ना, तो इसके ऊपर इसके वजह से ये इंस्टा स्टैंड लगा रखा था हम लोगों ने, फ़ोन का स्टैंड। तो अभी ये मैंने रिंग लाइट में लगा लिया, इसे रख लेते हैं नीचे, खोल लेता हूँ पहले यहाँ से, है ना। अरे भाई चले जा ऊपर, और ये यहाँ तक आ गया, चलिए जा भाई, भाई बड़े उसमें अकेले बहुत काम, अकेले दिक्कत हो जाती है सब चीज़ करने में। देखो ऊपर चला रहा था, फिर बार बार नीचे आ रहा था, चलो इतना लग गया, अब मैं इसे कस लेता हूँ। तो भाई देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अपने बचपन की फ़ोटो, ये देखो, ये माचूम सा बच्चा छोटा सा, ये मैं ही हूँ, देखो इसे। और अभी मैं बैठ में प्रशांत आ रहा है, चलो इसे लगा लेते हैं, चालू कर लेते हैं लाइट, इसे लगा लेते हैं आप बोर्ड पे, तो चालू, और ये हमारी लाइट चालू हो गई है, देखो अच्छी लग रही है ना, इसमें वीडियो एक रील शेयर करता हूँ आपके साथ, चलो। तो गाइस मैंने मतलब फ़ोन को ट्राइपॉड में ऐड कर दिया, मतलब पूरा सेटअप कर दिया कम्प्लीट, और अब क्या हो रहा है, प्रशांत आ रहा है, गिटार को निकाल लेते हैं, ठीक है, गिटार मैंने मतलब पता है जो आपको मैंने बर्थडे ट्यूनिंग सुनाई थी, मतलब वो तो सिर्फ एक स्टेप था, मैंने और भी सीख लिया है। मैं आज आपको आज मेरे वीडियो पूरी एक घंटे की, मतलब एक घंटे की आप लोगों को पूरा दिखा रहा हूँ, तो पूरी एकदम कर देता हूँ। फिर मैं कैमरा थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, जैसे देखो अभी ऐसा हो रहा है, नहीं इतनी मेरा इतना फेस आ रहा है, पीछे कर लेता हूँ फिर कैमरे को, ठीक है, कर लिया मैंने पूरा सेटअप कंप्लीट, और जब आप सुनोगे तो आपको पूरी ट्यून सुनाता हूँ, ठीक है, बड़े ट्यूनिंग
सुनाई थी आवाज मतलब बड़ी ट्यूनिंग की, तो छोटी सी स्टेप थी, वो सिर्फ ये सुना रहा था मैं आपको, बस ये। और अब मैंने क्या किया, मैंने पूरी सीख ली है जो बड़ी ट्यूनिंग थी, तो मैंने आपको पूरी दिखा दी। अगर अभी आया नहीं है, फोन करता हूँ दोबारा। तो वैसे मैंने पिक निकाल लिए और कैपो भी, कैपो लगा देता हूँ, ठीक है, कैपो लगा दिया है। सुनो, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसकी आवाज सुना तुम, देखो सुनो उस पास में जाके, सेकंड की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं आपको देखो साइड में डायग्राम जो करता हूँ, जो जो मैं इसमें मतलब जो यूज कर रहा हूँ ना कॉर्ड्स, साइड में वो करता हूँ, ठीक है। आपको भाई जब तक प्रशांत आ रहा है, जब तक मैं आपको छत तक दिखा जाता हूँ, देखो बारिश हो रही है अभी भी। और देखो मतलब क्या होता है, बारिश सारी होती है ना, तो मतलब पेड़ वेड़ एकदम सारे एकदम साफ हो जाते हैं, तो अच्छे भी लगते हैं देखने में। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I... आपको कैमरे को ऐसे करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाता है। बादल देखो आप, बादल कैसे हो रहा एकदम, पता 12 बजे से आज भी स्कूल नहीं गया इसकी वजह से, 12 बजे से बादल ऐसे ही हो रखा है। और देखो कि मतलब पेट्रोल का पानी पानी। और देखो अमरूद का पेड़ आपको दिखाता हूँ, इस पर अमरूद आए नहीं है वैसे, टाइम है पता नहीं, इसमें मतलब छोटे छोटे हैं, अब पता नहीं दिख नहीं रहा, अभी मैं चढ़ूंगा अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो काई सी हो रही है, गिर जाऊँगा, बारिश का मौसम ऐसे ही है। चलो प्रशांत का इंतज़ार करते हैं, कितनी देर में आता है तो मिलाते हैं आपको। तो गाइस यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमें, मेरा और प्रशांत का, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगेंगे दोनों के, मेरी आईडी की प्रिंस साग के नाम से, प्रशांत का इट्स प्रशांत नाम से, दोनों को फॉलो कर लो यार इंस्टाग्राम पे, और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दोनों के, ठीक है। तो जाओ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जब तक बुलाता हूँ मैं उसको, आ रहा कूदते कूदते सुबह से पानी में से आ गया, अभी तो चलो कम हो गया, देखो अभी वरना जब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी तो उसमें बहुत था वहाँ पे पानी। और ये आ गया, क्या हो गया, हाँ भाई ये तो जा रहा है, बोलना मैं नहीं आ रहा जाने को, मैं तो रुक गई बारिश, अब तो रुक गई, तो वहाँ पानी भी कम हो गया उस साइड, वरना उधर पानी था बहुत। तो देखो अब तो वो निकल जा रहे हैं, वरना तो पहले पानी भर रखा था ज़्यादा। और ये आ गया, चलो भाई आओ, मैं भी आता हूँ, ठीक है, बात कर रहे हैं। मैं भी आ गया, मैं तो सो रहा था, मेरे को भी नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता था कि बारिश हो रही है। वहाँ गया था कंप्यूटर क्लास, तब पता चली, तब हो रही थी, फिर वहाँ पर 1 बजे वहीं तक था, फिर बंद हो गई थी, तब आया तो बहुत पानी भरा हुआ रोड पे। और अभी तो ये भी चला गया, मैं आ गया इधर, अब देखते क्या करते हैं हम लोग। आ
आगे चलो भाई, हमने आपको बता दिया कि ट्यूशन वाले भैया भी मैसेज डाल रहे हैं बारिश बहुत है पानी है तो आज छुट्टी। अब देखते क्या होता है, ये देखो एक वीडियो। क्या हुआ ठाकुर साहब, आप फेल हो गए? क्या कहा? मैं फिर फेल हो गया? पर आपके ट्यूशन टीचर भी कर रहे हैं। कहा मर गए मुझे पढ़ाने वालों। है ना, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे ट्यूशन में ऐसे ऐसी चीजें भेजते हैं। मर गए मुझे पढ़ाने वालों। देख लिया, मैं आपको अभी एक और चीज दिखाता हूँ, अभी निकाल लूँ पहले उसके बाद दिखाता हूँ। इस वीडियो मतलब चालू के देखो, मैंने आपको बोला था कि मेरे टेक्निकल चीज आती है, देखो ये रहा, इसे आप जानते होंगे मल्टीमीटर। ये होता है, एक मिनट रुको मैं आपको। तो गाइस देखो अभी ऑफ है, अब मैं इसे करता हूँ कंटिन्यूटी मोड पे। ये रहा कंटिन्यूटी मोड पे, अभी बीप करेगा, सुन रहे हो आवाज बीप। इसे क्या होता है ना, इसमें वोल्टेज आती है, अभी वोल्टेज दिखाएगा नहीं, देखो इसमें टच करूंगा तो ये शॉर्टिंग दिखाएगा, मतलब शॉर्टिंग मतलब अभी तो कुछ भी चीज है। अब देखो ये है हीट सिंक, इसे तो आपने देखा ही होगा, इसको देखो करोगे ना नग से। अब लगा, अच्छे से लगा ना, देखो बीप दे रहा है, अभी दिखा रहा है कि ये चीज़ चालू है, शॉर्ट है। और देखो आपको एक चीज़ और दिखाऊं, पकड़ देखो मैं दिखाता हूँ। ये है डायोड, ये देखा होगा, ये मतलब वोल्टेज रेगुलेटर होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आपको पता होगा, तो आपको टेक्निकल चीज़ देखो, अब मैंने इसे लगाया, देखो वोल्टेज दे रहा है, एक साइड इसमें रीडिंग आती है और एक साइड नहीं आती, तो ये दिखा रहा है कि अभी तो दिखा रहा है कि ठीक है, ठीक है इसमें वोल्टेज आ गई, रीडिंग आ गई। अब मैं इसे पलट के लगाता हूँ, अब देखो रीडिंग नहीं दिखाएगा। इस साइड भी इसने रीडिंग दिखा दी तो इसका मतलब ये ख़राब है, और नहीं दिखाई तो सही है। देखो एक साइड नहीं दिखाई, अब मैं आपके सामने चेंज कर देता हूँ, ये देखो रीडिंग दिखा दी। तो ये डायोड होता है, ये ऐसी चेक होती है। और देखो इससे आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये रहा सेल, लैपटॉप का सेल होता है, मेरे पास बहुत सारे रखे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसमें वोल्टेज चेक कराता हूँ, वोल्टेज पे सेट करता हूँ 20 वोल्ट पे। ये हमारा नेगेटिव प्रॉक्स वायर, ये पॉजिटिव, देखो 3.38 दिखा रहा। हाँ देखो आपको ये दिखा देता हूँ, 3.37 हो गया, 8 हो गया, 36 हो गया, मतलब चार्ज है, मतलब चार्ज है, ठीक है। और आपने सुना एम्प सुना होगा 44-40 आईसी का, मेरे पास सब चीज़ है क्योंकि मेरे को आता है ना, मैं टिक करता रहता हूँ। तो देखो 44-40 आईसी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, और एक आईसी और है जो हमारे कहते हैं होम थिएटर बोर्ड होता है ना, वो होम थिएटर जो होता है उसमें ये आईसी लगी रहती 30 है। 30 कितनी? 20-30 आईसी का नंबर, एक आती है इसमें से 20-50 भी आती है, 20-50 आती है, और एक 20-30 है ये है, और ये 44-40 और बहुत सारी चीज है, सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग आयरन। लॉकडाउन में ये खराब हो गया, मतलब खराब है, इसकी बैटरी थोड़ी खराब हो गई है, और इसकी थोड़ी स्पीकर एयर ये लीड भी दिक्कत कर रही थी, तो मैंने इसे अभी ऐसी पैक कर दिया है, देखो इसे सही करूंगा। अच्छा आवाज उसकी बहुत अच्छी है, एक नंबर आवाज इसकी। और ये देखो एक चीज और कर रखी है, ये हमारे रिंग लाइट में चार्जर जोड़ रखा है, ये जुड़ा हुआ नहीं आया था, ये रिंग खराब हो गया था, इसकी वजह से हमने फिर यही जोड़ दिया।
मतलब क्या बार बार उसमें ना हमें चार्जर ढूंढना पड़ रहा था कि चार्जर ढूंढो फिर उसमें पिन लगाओ, फिर क्या होगा उसकी पिन भी खराब हुई, फिर मेरे को चार्जर मिल गया तो मैंने चार्जर का डायरेक्ट कर दिया, फिर अंदर सोल्ड कर दिया। और देखो मैंने आपको एक आईसी दिखाई थी ना उसमें 44-40 ये वाली 44-40 भाई देखो 44-40 आईसी, तो इसको पता क्या ये मेरे पास ये था क्योंकि मैंने एम्प बना रखा है। देखो एम्प जो है ना ये एम्प है, ये मैंने खुद बनाया, मतलब ख़राब हो गया था एकदम बिल्कुल, इसमें फेंक दिया था। देखो इसके ऊपर मैंने फ़ैन भी लगा रखा है, कूलिंग फ़ैन इसके आईसी को कूल करने के लिए। और इस जो मैंने आईसी लगाई चौली चली थी वो इसी की थी। देखो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, एनसीएस सॉन्ग प्ले करता हूँ। और ये रहा मेरे इसका स्पीकर, ये रहा सारे गाँव पा लिटिल चैंप। हाँ भाई चलो इसे चालू करो अपने इसको। अभी ना इसमें एक माइक का ऑप्शन भी लगाऊंगा, और मैं लगाया ना उसको मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि हाँ देखो मैंने माइक का ऑप्शन, मतलब आपको पूरी वायरिंग दिखा दूंगा। ये मेरा ब्लूटूथ पैनल, ये पता नॉर्मल था एफएम टॉन ली, इसमें ब्लूटूथ नहीं था, मैंने पूरा इसको मॉडिफाई किया। इसके खोलूंगा ना इसकी वायरिंग भी आपको समझ में नहीं आई क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से करी है। पता भाई वायर लगाओ वहाँ से, देखो इसकी वायरिंग कहाँ से निकली आपको भी नहीं पता होगी। टेडी बियर वो चालू हो गया, देखिए लाइट लग गई, अरे कूलिंग फैन चालू हो गया, ठीक है कूलिंग करने के लिए। ये हमारा वॉल्यूम है, देखो आपको आवाज़ आ जाओगी हल्की हल्की। किस नाम से? देखो प्रशांत से कनेक्ट करवाता हूँ, करे भाई पेयर करो इसे, पेयर करो। चलो मैं पहले अपना ये अलग सामान ना सारा हटा के रख देता हूँ, बहुत सामान फैल गया। इसका आएगा पेयर करो, वो आएगा ना स्कैन करो, स्कैन करो उसका, ब्लूटूथ मोड पे ही है। नहीं देखो गाइस कनेक्ट करते हैं इसे, ये रहा 00BT वाला है जी। हाँ हो गया पेयर हो गया। NCS सॉन्ग लगा दो तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। आवाज़ तो भाई NCS नहीं लगा, देखो मैं लगा दूँ अगर वैसे गाइस सॉन्ग चलाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा रहा भाई, समझते नहीं हो। रिंग लाइट वाईफाई कनेक्ट कर रखा है क्या? मेरा नेट नहीं चल रहा भाई, वाईफाई नहीं चल रहा यार, बारिश हो रही है ना दबा के, नेट भी तो नहीं चल रहा आज। चल रहा यार, तेरा नेट ही चालू कर दिया। चल रहा, चलो चल तो गया, चल गया चल गया। साउंड करते हैं सर्च एंड कर दिया सर्च हमने, NCS सॉन्ग आ गए मिडनाइट, और ऐड आ रहा है अभी ऐड। इसकी ना यहाँ से आवाज़ कम कर देता हूँ रिमोट से, ऐसे यहाँ से बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कम हो रखी है आवाज़, फुल कर देता हूँ। ऐड आ रहा है अभी तो, हट गया, आगे बढ़ा दें। देखो अभी तो नॉर्मल चलेगा, ये वॉल्यूम मैंने कम कर दिया, बेस ट्रैवल दे। बढ़ाओ यहाँ से फुल, देखो अभी तो आवाज़ बहुत कम है, देखो बंद होगी बिल्कुल। अभी ट्रैवल बेस ट्रैवल बंद हो गया क्या हो गया सीट, ओ मैंने लगाया दूसरा, अब ये बेस है, गया बेस ऐसे बढ़ाया आ गया। अरे वहाँ से मत करे अपना फ़ोन, वैसे ना तो सारी जड़ जाती है।
हीट जो होती है ना, इसमें हीटिंग जो होती है सारी एकदम कूलिंग करता रहता है फैन। स्पीड भी अच्छी है फैन की, आवाज़ कम कर दी थी। चलो आपको आगे दिखाते हैं वीडियो में। तो गाइस आपने इसकी आवाज़ सुन ली होगी, एक नंबर आवाज़ है भाई। मैंने खुद बनाया अपने हाथ से, मतलब पूरी उसके अंदर मैंने हटे रखे थे पूरे, तो पूरा सेट मैंने किया है। बोल बोल गैप को हटा देते है ना, काम जाएगा। यहाँ पे पानी पी लो गाइस, पानी पानी लेकर आता हूँ। पानी लिया था, पानी खत्म हो गया। ये जो नीचे वाला तारी कर रहा है प्ले है ना, ठीक है। और पहले ओपन दो बार, फिर दबा के एक एक स्टेप करके दिखाते हैं। थोड़ा पास कर लेता हूँ कैमरे को थोड़ा। नहीं, 1 2 3 सेकंड फ्रेट पे, फिर यहाँ पे 5 और ये 4। देख पर कैसा चलेगा, ओपन पे फर्स्ट 1 2 3 फिर 4 5 फ्रेट पे फिर 6 4 फ्रेट पे। अब इस पे फिफ्थ पे, फिफ्थ ऐसा पता चला जैसे वाइट दे रखा है ना, तो इससे पता चला कि ये वाला फिफ्थ है। मैंने भी ऐसे याद किया था, ये मेरे को भी याद नहीं हो रहा था शुरू में, जब दो तीन बार किया था ट्राई किया था आ गया था यहाँ पे। ये जो वाइट वाइट है बीच में, ये फिफ्थ है, उसके ऊपर फोर्थ है। अभी दोनों प्ले हो जा रही है, जैसे मेरे से शुरू में हो रहे थे, मेरे भी एक साथ दो दो प्ले कर दिया था मैंने। ये
प्रैक्टिस करी कम से कम बहुत एक दो हफ्ते प्रैक्टिस करी जब मैंने ये वाली एक स्ट्रिंग प्ले हो गई। अभी भी कई बार करता हूँ ना तो पूरी प्ले हो जाती है। देखो आपको आपको एक बार और सुना देता हूँ ये वाली ट्रेनिंग मुझे अच्छी लगती है बेटा। ये ट्रेनिंग अच्छी लगती है। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाके वीडियो देख लेना। और ये हमारा ट्राइपॉड का रिमोट ये काम आता है वीडियो को रोकने में प्ले करने में ब्लूटूथ से कनेक्ट अभी भी कनेक्ट है ये हमारा ब्लूटूथ से अब फोन से जिस फोन से भी शूट हो रहा है उस फोन में भी कनेक्ट है पेयर है। अभी मैं दबाऊंगा ना तो ये बंद हो जाएगी फिर मैं दबाऊंगा मैं आपको माइक दिखा दूं। मैंने बता बहुत दिनों से माइक यूज नहीं किया प्रैक्टिस कर रहा था मैं आपको माइक दिखाता हूं। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने अभी यूज नहीं किया क्योंकि अभी हमारी वैसे कुछ वीडियो नहीं बन पा रही ज़्यादा चैलेंजिंग वीडियो करते हैं ना तो हम इस माइक को यूज़ करते हैं क्योंकि फोन को सेट करके अब माइक की लेंथ तो है वायर की देखिए मैंने इकट्ठे कर रखे ब्लोइंग करता हूँ जब तो कभी कभी लगा देता हूँ इसको भी। ये माइक है और ये ट्राईपॉड है ये मेरा फर्स्ट ट्राईपॉड है वो यही है। उसके बाद हमारे हम लोगों ने रिलैक्स मंगाई थी उसके बाद ये आया था माइक मंगाया था और क्या कहते हैं इस वाले और इस वाले ट्राइपॉड के साथ ये वाला रिमोट मंगाया था इसी के साथ आधा मंगाया नहीं था इसी के साथ ही था ये। और ये माइक तो हमने अलग से मंगाया था कितने का था ये माइक 129 का था 129 का डिलीवरी चार्ज लग गया था इस पर 40 का लगा था वो 40 का लगा था 170-180 का पड़ा हाँ डिलीवरी चार्ज लग के और ऑनलाइन मंगाया था ऑफलाइन मेरे को मैंने पूछी थी शायद मेरे को महंगा मिल रहा था इसकी वजह से मैंने ऑनलाइन मंगाया और ये तो ट्राइपॉड के साथ आया। चलो इसे रख देता हूँ तक पठान से बातचीत करो ओपन है उसके बाद एक सेकंड फ्रेट पे उसके बाद फिर थर्ड वो फिर फिफ्थ पे फिर फोर्थ पे इसके जो ये कह रहा था मैं और का इसके बाद एक और ओपन फिर से जैसे अच्छा। दो बार ओपन फिर हाँ इस पे फिर फोर्थ फिफ्थ फिर फोर्थ ये है सुनता नहीं है बिल्कुल भी है ना दोबारा ट्राई करेंगे दोबारा अभी
ढंग से स्ट्रिंग दबी नहीं, इसके वजह से वो ऐसे हुआ, ऐसा हुआ। सारी सर जाती है भाई, गिटार बजाने का मजा ही अलग है, आता रही वो बात एक और अलग है। सिक्स्थ वाली ये मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग है ना, इसे नीचे से काउंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो और ये गिटार ट्यूनर है, मतलब जो इसे ट्यून करना पड़ता है गिटार को, जो मैंने कर रखा भी मतलब मेरे फोन में ही ऐप है, और मतलब फोन में क्या पता है ट्यून नाम से गिटार ट्यून, तो उसे ट्यून करना पड़ता है। ट्यूनिंग बनती है अच्छी, और ये रख के आपको अभी आता हूँ, अभी आता हूँ कुछ काम है, एक काम करके आता हूँ वो चीज़ में अभी। गाइस प्यास लग गई बेचारे को पानी पीते पीते, सीखते सीखते तो सीख तो गया। चल भाई शुरू हो जाए, इसका सुना दो आज, आज इसको बना ही देंगे प्रो। हाँ सीख गया, हाँ सीख गया, सीख गया, सीख गया। तो गाइस चलो अभी इसको रखते हैं, मैंने आपको बोला था ना कि एक और बॉक्स है मेरे पास इलेक्ट्रिकल का, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि उसमें मेरे पास लैपटॉप के सेल्स हैं बहुत सारे, मैं आपको उसकी वोल्टेज भी दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना सारे हैं, मतलब कम से कम इतने सारे हैं वो, कम से कम इतने सारे ये तो कैप दिखा रहा है मैं। चलो आपको वाला बॉक्स भी दिखा देता हूँ, आज आपको सब चीज़ दिखाई दे, आप ब्लॉग खेच अब बना ही रहे हैं बड़ा, तो आज आपको उसमें सब चीज़ आपको ओपन कर ही देता हूँ मैं, क्या क्या करता हूँ क्या नहीं करता। गाइस मेरा इनविजिबल फोन, इनविजिबल फोन मेरे फोन का कवर है जी, मेरे फोन का। तो चलो गाइस इसको गिटार को पैक कर देते, चल भाई से रख दे पहले, देखो हमारा अमित भाई चल रहे, अमित भाई चल रहे क्रेजी एक्स वाई जी, इसे बंद कर देते हैं। और ये हमारा चैनल है गाइज, देखो ये अब की वीडियो, तो चलो इसे हटा देते हैं। चलो भाई कर दो पैक इसे भाई, गाड़ी बारिश हो रही है बड़ी तेज बाहर, देखो आवाज आवाज, आवाज आ रही होगी, दिखा के ला थोड़ा, चलो दिखा लेते हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज, अभी जब रुक गई थी अंधेरा भी हो गया, ये देखो घर कैसे जाऊंगा मैं तो बता के भी नहीं आया है, मैं बता के भी नहीं आया घर में, फोन कर दियो आज तो यही रहेगा। हाँ आज अरे नहीं दिख रहे वैसे ही अंधेरा हो रहा है ब्लॉग में, हमारे हमारे वो जो पेंटिंग करने वाले भैया भी इधर ही आए हैं उधर घर पे। हाँ तो हम भी तो आ रहे हैं, देखो गाइस अभी बारिश बंद हो गई थी ना दोबारा हो गई, तो चलो चलते हैं आपको एक और बॉक्स ओपन करते हैं। देखो गाइस कहाँ चल रहा है, और अभी टाइम अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, मतलब टाइम हुआ नहीं ज़्यादा, और बारिश इतनी तेज इतना अंधेरा, हमारे वो जो पेंट करके गए थे भैया वो भी इधर ही हैं फिलहाल, अभी दिखाएंगे आपको। देखो पहले आपको ये दिखूँ खजाना, ये जनरेटर, जनरेटर ट्रांसफार्मर का, ये वो है हीट सिंक जो मैंने आपको उसमें दिखाई थी ना, देखो मैं वाली बॉक्स भी निकाल ही लेता हूँ। हीट सिंक प्लेट है ये जो वो आईसी को ठंडा गर्म होने से बचाती है, अब जहाँ पर भी लगती है भैया मेरे को तब हवाल नहीं पता इन चीज़ों का। ये देखो ये पतली है ना, और ये देखो ये है कितनी हैवी है, ये इसका एक पीस है, नहीं इसका पीस नहीं है किसी दूसरी हीटिंग का। अब देखो देखो ये जो पीस है ना ये वाला, ये इसका है, आई बॉल का होम थिएटर था उसमें ये लगी हुई थी वाली, तो मैंने मेरे को किसी चीज़ में लगानी थी इसकी वजह से मैंने इसको इतना पीस काट दिया था, ये इसी का इसका है, ये रहा होम थिएटर का बोर्ड, ये हीटिंग इसकी है, और ये ऑन बोर्ड है चालू है, इसमें सिर्फ आईसी लगानी है मेरे को एक, वो मेरे को कहीं पे लगानी थी मैंने वाली आईसी वहाँ पे लगा दी थी। देखो ये होम थिएटर का बोर्ड है प्रो मैक्स का बोर्ड, ओके एकदम, और देखो इसका वो दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा एक, और ये रहा इसका वो जो USB जो होता कार्ड, ये इसका USB कार्ड है, इसका वॉल्यूम कंट्रोलर है, और ये इसका मेन बोर्ड है, और डब्बा रह रहा है डब्बा वो तो नहीं मिलेगा आपको अभी, ये देखो ये क्या होते हैं जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर के अंदर जो वॉइस कॉल होती है वो ये होती है, मेरे पास सब मिलेगा आपको। मेरा भी स्पीकर खराब हो गया, ठीक
कौन सा स्पीकर? किंग वाला छोटा वाला। ये देखो ये कॉइल होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करती है वोल्टेज की वजह से। और ये देखो जो मिनी जो ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं उसके उसका बोर्ड। और ये वो एयरबड का चार्जिंग का मैंने रखा हुआ है। और ये फाइबर स्लिप ये होता है ना, जलती नहीं है ये वायर, जल्दी मतलब जलती है ना तो मतलब वायर को डैमेज नहीं होने देती। मतलब वायर के अंदर लगाए जाते हैं जो गलने से बचाती है डैमेज। मोटर होती है ना, मोटर जब वाइंडिंग होती है उसमें जो वायर निकालते हैं यही ये होते हैं, आपने पता हो तो आपको यही वही है। और ये RGB कंट्रोलर का रिमोट, RGB लाइट में लाया था ना ये उसका कंट्रोलर है। ये स्पीकर सॉकेट है, ये वाला स्पीकर सॉकेट। और ये RGB एक दो पत्ते लाया था चांदनी चौक से, एक पत्ता तो ख़राब हो गया। और ये मतलब ख़राब हो गया ना, ये उसी में का एक है, मतलब ये ठीक है लेकिन वो पत्ता पूरा ख़राब हो गया। ये फ़ैन, ये पता ये सारा सामान मेरे पास इसलिए क्योंकि मेरा एक और चैनल था ना इससे पहले टेक्निकल, क्या नाम था, एक्सपेरिमेंट बॉय नाम से एक्सपेरिमेंट बॉय। और ये इसमें वह लीड बड्स अरे वो कान पे लगाने वाले लगा था ना, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे ओपन पड़ा होगा। अरे कोई नहीं पता चल गया, ये देखो ये जो लीड में लगा रहा था ना ये वो है, ये पैक है पूरा पैकेट। और ये है कैपेसिटर, ये 25 वोल्ट कितने 25 वोल्ट अरे 25 UF का है। रख सारे सामान दे, अरे बहुत चीज़ है यार। ये मोटर का छोटी छोटी मोटर होती है ना उसकी, और ये भी स्पीकर का है, और ये ब्लूटूथ स्पीकर का, ये भी आराम से दिखा अभी बोला है रोक। और ये देखो ये वायरिंग ये चिपक गई है क्या, ये भी वायरिंग होम थिएटर की वायरिंग है सारी। ये मैंने एक बोर्ड मंगाया था ऑनलाइन परचेज किया था ना, उसके बाद ये सारी वायरिंग आई थी, वो मैंने एक बनाया भी था। और ये देखो ये लेफ्ट राइट इनपुट के लिए, ये जादू का, ये रहा मेन चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था ना कि 12 वोल्ट इसमें सेल है सारे, और आधे तो मैंने इसमें लगा भी नहीं रखे। ये रहे एक वो पड़ा बॉक्स में, और ये कम से कम 12 वोल्ट है। मैं देखो आपको ना इसकी कोई वोल्टेज चेक करा देता हूँ। और देखो बॉक्स के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें यार, ये कैमरा है फ़ोन में लगा, ये फ़ोन का कैमरा है, रेडमी वाई 2 का कैमरे हैं, किसी को चाहिए हो तो। और बहुत सारी चीज़ें इसमें, फ़ोन तक खोल दी जाता। ये फ्रंट कैमरा है, ये फ्रंट कैमरा है, और वो बैक है, ये तीसरी आंख पकड़ो। देखो मैं आपको ना एक बार इसकी वोल्टेज चेक करा देता हूँ इसकी। मैं देखो सारा सामान नहीं चलो बाद में रखूँगा, वरना वैसे रखा नहीं जाएगा। इसकी वोल्टेज देखो, ये रहा एक वायर इसका ब्लैक माइनस नेगेटिव। देखो मैं आपको इसकी स्पार्किंग दिखा देता हूँ एक बार, भाई जूम कर दिया ना, देख रहे हो धुआं, देख रहे हो कितना तेज धुआं आ रहा है, क्योंकि भाई इसमें वोल्टेज बहुत है, एम्पियर भी इसके बहुत अच्छे हैं। अरे आईना स्मेल आई ना, देखो मैं इसकी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये मैंने 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है, एक मिनट दोबारा देखा, 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अरे लग गया भाई आ गई ना 1.3 वन पॉइंट कम आ रही अभी, ये 11 11 अरे ये तो तार नहीं, यहाँ से छिला नहीं है, बंद कर दिया वीडियो हमारी, कंटिन्यू रखो भाई आज वीडियो को पूरा। तार छील पता, तार छीलता नहीं हो, पता चलता है ये बॉक्स रखा हुआ टांड पे उसमें स्पार्किंग हो रही है, और चार्जर एम्पियर हैवी है वो रखे हैं इसके, इसकी वजह से मैं इसके तार काट देता हूँ, यूज़ करना था यूज़ करके तार आ गया था हटा देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, देख ली वो तो, पर वोल्टेज नहीं पता चली ना इसे, एक मिनट वैसे ही देखूँ। अब देखना ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब देखो वोल्टेज की, देखो वोल्टेज वो आ गई 11.50 वही भाई, इसके एम्पियर इस सेल के बहुत हैवी एम्पियर है। देखो मैं एक बार आपको स्पार्क करके दिखाया था ना, देखो वायर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, देखो कितना धुआं, देखो हाँ हाँ ठीक है दिख गया। और वायर भी हीट हो गई बहुत, इतनी गंदी बदबू आ रही है इसमें भाई, वायर है और हैवी एम्पियर, देखना वायर हीट हो गया, इसका सेल भी यहाँ से हीट हो गया भाई, हैवी एम्पियर ना इसकी बहुत, इसकी वजह से इसमें स्मेल से लगती है भाई, यहाँ से निकाल ही देता हूँ यहाँ से। जुगाड़ पे लगा रखा है, टेप मार देना, टेप लगी हुई है यहाँ से, काट देता हूँ मैंने आपको आता ना, मैं काट देता हूँ यूज़ करने के बाद, वरना फिर डर लगा रहता है इसका, नहीं सोता है। और ये
नहीं मैं यहाँ नहीं सोता, मैं बाहर सोता हूँ, मतलब सही आता भाई सेफ्टी। अब इसे रख देते हैं अपने खजाने में, दोबारा से पैक कर देते हैं अपना सारा सामान। अब देखो निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अब बिखेरने में, अब पैक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे सही नहीं रखा ना तो फिर बंद नहीं हो पाता इसे। यहाँ पर सारा आ जाएगा। और आप लोगों को इन सब चीज़ों कुछ एक्सपेरिमेंट चाहिए ना, कुछ चीज़ आपको चाहिए बनी हुई, कुछ बोल रहे कुछ बना के दिखा रहा तो कमेंट कर देना, मैं आपको बना के दिखा दूँगा। और ये कर देता हूँ, ये हो गया पूरा पैक। और अभी एक चीज़ है, अब तो और अच्छे से हो गया, अभी पैक हो जाएगा बस। ये भी रख देते हैं बॉक्स को, ये मैंने बॉक्स रख दिया था लेकिन दोबारा निकाल लिया था वोल्टेज उसके लिए, पूर्वांचल में गया ये। ये तो पैक हो गया, चलो इस बॉक्स को तो रख ही देते हैं, फिर खूफिया जगह पे चढ़ते हुए। एक चीज और है, ग्लूगन, ये ग्लूगन ये मैंने बहुत पहले खरीदी थी, लॉकडाउन में खरीदी थी ये भी। इससे लाइफ हैक करके दिखा सकता है। लाइफ हैक, रिंग लाइट, और ये कैमरामैन एक्शन। तो गाइस बारिश में गया था, अभी भीग गया पूरा, पानी भर रखा है ना अभी। तो गाइस देखो, मतलब ये स्पीकर है, इसमें क्या हो गया, इसमें पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, पकड़ मैं करता हूँ अभी से। अब आपको दिखाई दे आज पूरी कलाकारी, सारी कलाकारी आपको इस वीडियो में दिखेगी। ये मैंने अंदर से सब खोल रखा है, वो खुल जाएगा ये। हाँ एक मिनट, कॉल आ रहा है अंकित का, तो मैं दिखा दूँगा कर ली। तो गाइस चलो अब इसे ओपन करते हैं। ओपन ही रखा था ये, अब ये यहाँ से इस वाला ना, अभी ऊपर कहाँ भाई, चलो मतलब सेल वेल खोलने पड़ेंगे। सारे औजार हैं, औजार तो दिखा, औजार दिखा रहा हूँ, ये रहा पेच पास, नहीं दिख रहा देखो, अबे कहाँ चला गया, ये रहा औजार। हेलो तो भाई, ये लग गया अपने बात से। हाँ अभी दोस्त का फोन आया था, मैं ऐसे खोल लेता है। हाँ हाँ तो आओ तो सही पहले ऐसे ही। अरे कॉल पे बात कर लो, स्पीकर में डाल दो भाई फोन। है देखो भाई, तो इसकी बात सुन रहा है ये भाई, ये तो होता रहेगा बाद में, पहले इसकी बात सुन लेते हैं। हाँ पकौड़ी आ तो सही पहले, यहाँ पर आ तो सही, तभी तो पकौड़ी खिलाएंगे। हेलो कल तुषार का बर्थडे, मन जाएगा मन जाएगा, टेंशन नोट। भाई देखो बारिश तो हो रही है बहुत तेज, ठीक है, बारिश और दिखा रहा अभी, बारिश गरज रहे इधर बादल। हाँ क्या कहते हैं, स्कूल में वैसे ही सर ने कहा था तुम्हारी वैसी कम है, और क्या कहते हैं बारिश हो गई तो अब नेचुरल डिजास्टर ही नहीं जाने दे रहा हमें स्कूल, तो हम क्या कर सकते हैं। अरे कोई गए थे बच्चे लौट के आ रहे थे, स्कूल का हाफ डे हो गया था, रॉकी गया था, दोस्त गया था, एक बोल रहा हाफ गया था, स्कूल आ गया। इतनी बारिश ही हुई है, मैं तो कंप्यूटर क्लास ही 1 बजे तक था, वही मौज काट रहा था। फिर भी तुम्हारे उधर तो हम तो जा सकते, तुम्हारे उधर का हाल बेकार है, गरीब आदमी नहीं, गलत जगह घर लिया हरियाणा में, दिल्ली में लेना चाहिए था। हरियाणा मीठापुर में जाके देखो, अरे हाँ वही देखो, अगर बारिश नहीं हुई ना रात में तो सुबह तक सब खाली हो जाए। हमें वही, मेरे को वही जाना था 7 बजे, अंकल जी के साथ जाना था, अब अंकल ही नहीं आएंगे तो मैं कहाँ से जाऊंगा बारिश में, पानी भरा हुआ रोड पर जाएगा तो कैसे जाएगा, बारिश हो रही है इतनी। घर पे तो पकौड़ी बन गए, खाओगे? हाँ क्या कहते हैं, वीडियो कॉल करो तब पता चलेगी। वीडियो कॉल करो ऐसे कैसे पता, अच्छा चलो सही है, चलो मैं फोटो भेजूंगा, ठीक है खा लेना, ठीक है फिर तो यही गलत बात है। बाकी खाने का मन करे तो ऑर्डर कर देना ऑनलाइन, कुछ नहीं जाएगा, 150 रुपए जाएंगे। कोरियर वाले को भेज दूंगा मैं तुम्हारे उधर, आप
ठीक है भाई, सारी बात रिकॉर्ड हो रही है, देख ले रहा है, आवाज सारी चलता देखेगी। ओके वीडियो बना के डाल, मैं चेक करता हूं अपने, वीडियो में ही है, एक घंटे की वीडियो है अभी अपलोड होगी, तो अपलोड करो, मैं देखता हूं अपनी आवाज देखता हूं। हां अभी टाइम लगेगा थोड़ा, अभी लग जाएगा, 9-10 बजे तक अपलोड होगी वीडियो, अभी एडिट भी करनी होगी ना। चलो ठीक है, तो भाई देख लो हमारे ट्यूशन वाले दोस्त याद कर रहे, ये ऐसे थोड़ी खुलेगा, खुल गया भाई, इसके बाद इसे खोलना पड़ेगा तब जाके खुल जाएगा वो भी। गाइस पता है एक घंटे की वीडियो हम बना तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर अभी अभी हमें एडिट भी करनी है, हमें ये भी पता एडिट करने में कितना टाइम लगेगा, एक फोटो रहे पे वहाँ पे। दो पेज तो खुल गए, अब दो पेज नखरे कर रहे हैं भाई, मैं पेज का सी ले आता यार वो वाला, ये कैसे खुलेंगे दिखा ला मैं खोलूँ, हाँ अटके हैं उधर से, इधर से, इधर से, अरे खाटू से हम चल रहे हैं क्या फ्री में दो दिन के लिए, खाना पीना रहना सब वहीं का। कौन लेके जा रहा? गौरव के पापा, ओ गौरव के पापा कह रहा हूँ, राहुल भैया के पापा, सरनाम अंकल भाई, वो कैसे लेके जा रहा? बस जा रही है ना फ्री में, बस जा रही थी वहीं तो बस वो जान, मैं तो दो दिन के लिए ना, दिक्कत तो यही है स्कूल की वजह से नहीं जा पाऊंगा, नवरात्रों की छुट्टी पड़ रही है, पता चल गई मेरे को, तभी जा रहे हैं, नवरात्र छुट्टी पड़े, छुट्टी पड़े तो चल लेंगे, दो दिन के लिए है ना लेकिन, क्या हाँ चलो देखते हैं, दो दिन के बाहर घाटू से हम ना, हाँ तो दिक्कत क्या है, हाँ चलो घूमाएंगे। गाइस देखो ये है इसके अंदर का सिस्टम, ये मैकेनिज्म है इसके, भाई इसमें हुआ क्या मेरे को ये बता दो पहले, ये पूरा खोल ले, इसके तार वार जगह जगह से टूट गए हैं, वो ऐसी जाएगी प्लेट उसकी, ऑन कर रहा हूँ मैं, ऑन नहीं होगा, तार छूटे पड़े हैं, ये देखो ना ये मैंने ऐसे अटका रखे हैं, स्पीकर का तार है ना भाई, हाँ वही अटका, बैटरी का तार तो, चलो भाई इसको कर लेते हैं, इसको अपना मल्टीमीटर निकाला, देखो कंटिन्यूटी वोल्ट पे लगाऊंगा इसे, नहीं कंटिन्यूटी पहले वोल्टेज चेक कर लेता हूँ बैटरी की, बैटरी में आ भी रही है कि नहीं, हाँ बैटरी में वोल्टेज है कि नहीं है, और है बैटरी में वोल्टेज, मैंने ये सब चेक करके रखी थी, वोल्टेज ये वाली है, ये देखो ये लिखा है ना बी प्लस बी माइनस, ये अब बैटरी में वोल्टेज है, इसे चेक करता हूँ ऑन करके, ऑन ही तो नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा ना, ऑन अब होगा भाई, बटन खराब हो गया होगा इसलिए ऑन नहीं हो रहा होगा, बटन बटन डूम 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 से डर नहीं है भाई, अबे तो नेक्स्ट में बटन ही गलत दबा रहा हूँ क्या, एलईडी ऑन किस होगा भाई, एक मिनट, यही वाला है, ये वाला है सबसे लास्ट, सबसे लास्ट है नहीं यार, अरे इस पे लिखा है ऑन ऑफ, बट ये ऑन ऑफ लिखा तो है, पावर लिखा है ना, हाँ पावर वही है फिर, अरे वोट क्यों नहीं रख रही है, ये पावर है तो वोट क्यों नहीं हो रहा है, हो गया हो गया हो गया, बड़ी देर में भाई बटन खराब हो रहा है, बटन से काम नहीं कर रहा है, देख बटन दबा दिया, बटन काम नहीं कर रहा, अभी इससे कर दूंगा तो हो जाएगा, मैं कलर चेंज हो रहे हैं बंद, गाइस एलईडी के कलर चेंज हो रहे हैं, बटन खराब हो गया पक्का गारंटी, बटन पहले भी तो दिक्कत दे रहा था, देखो है ना हो रहा है ना चेंज मोड, देखो इसकी भी आपका आवाज सुनाए, ब्लूटूथ मोड पे लग जाए तो,
म्यूजिक मोड पे लग जाएगा, ये रहा ना मोड, मोड भाई पता है इसके सारे बटन खराब हो चुके हैं, हाँ। इसकी वजह से इसके बटन काम नहीं कर रहे हैं, इसके बटन लाने पड़ेंगे, बटन चेंज करने पड़ेंगे इसके, और ये बंद भी नहीं हो रहा, चालू तो हो गया, ऐसा मोड लगा हुआ है, देखो कितनी देर तक प्रेस कर सकते हैं पर बंद नहीं हो रहा, देखो इसे टच किया मैंने तुरंत हो गया कनेक्टेड, अब देखो आवाज इसकी भी अच्छी खासी है, अरे रुक जा यार, ब्लूटूथ मेरे को से चेक करो बंद कैसे होगा, था हो गया बंद, देखो हो गया, मतलब से क्या ना बटन दिक्कत कर रहे हैं इसके बहुत गंदे वाले, इसे देखते हैं कैसे ठीक करते हैं, ठीक क्या करेंगे इसके बटन चेंज होंगे गाइस, और बटन अभी है नहीं तो अभी फिलहाल के लिए इसे ऐसे ही चलाना पड़ेगा, फिलहाल के लिए चालू हो जाओ, फिलहाल के लिए चालू नहीं हो रहा भाई, ये गुस्सा हो गया ला रहा, वेलकम टू किंग म्यूजिक वर्ल्ड, ब्लूटूथ मोड, ओके कनेक्टेड, कनेक्टेड भाई, वोल्टेज की कोई दिक्कत नहीं है, स्विच की दिक्कत है इसमें, आवाज कम है क्या, वो ऐसी आएगी अभी, अरे बटन खराब है, बटन खराब हो गए हैं, जब भी सारे बटन इसके मोड चेंज कर रहे हैं जो हमें नहीं कराने, ब्लूटूथ मोड आ गया, ब्लूटूथ मोड पे कनेक्टेड, आवाज तो बढ़ा दो, क्या हो गई, देखा इससे ये पेज से काम कर रहा है लेकिन ये बटन काम नहीं कर रहा इसके, चलो इसे लगा देते हैं, बहुत है मेरे में बदतमीज भी है, बदतमीज और देखना इसकी आवाज ऐसे बढ़ जाएगी, बॉक्स का भी तो फर्क आता है ना भाई, जाके वजह से इसके वजह से लगा भाई, अभी बंद कर दिया मैंने, चला चला कोई दिक्कत नहीं ना, इसे पहले इसको पहले सेट कर दोनों तरफ से, अब हुआ ये देखो गान है, ये भी एक साथ ही जाएंगे दोनों, मजाक गली, अरे एक साथ ही लग जाएंगे वो, सूरतिया निहार ले, समझा ले वे ससुराल गेंदा फूल, अरे अभी पेच भी तो लगेंगे, अरे हाँ मैं समझ गया किस लिए नहीं हो रहा, पकड़ गाइस, पता नहीं क्यों सेट क्यों नहीं हो, क्या हो गया, वो एक साइड का तो हो गया था, अरे वो एक तार गड़बड़ी, हाँ
तारा टकरा होगा यहीं से हाथ से अटक कर देना, नहीं होगा वो, क्यों वो वैसे ही होगा। वो मैंने जब खोला था ना तब भी दिक्कत दी थी इस तार में, ज्वाला सी जलती है। हमारे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि इसके बटन खराब है, तो भाई उसको बटन लाने पड़ेंगे जो हमारे पास अभी नहीं है। जब वो बटन लाएगा परेशान, जब उससे काम हो। ये फ्रिज कैसे खुल रखा है? बटन कितने के आएंगे पता नहीं, 4 या 5 रुपए का एक आएगा है? हाँ, और अगर यहाँ से नहीं चांदनी चौक मार्केट से लेगा तो 2 रुपए का एक पड़ेगा। चांदनी चौक जाऊँगा मैं, 5 बटन लगे दिए। और 1 रुपए का एक, वो नहीं वहाँ से पूरा पैकेट लिए ना, मेरे काम आता रहेगा फिर। चलो इसे पैक करते हैं पूरा, उसके बाद मिलते हैं। 200 रुपए लगा के मैं पहले चांदनी चौक जाऊँ, ठीक है? फिर वहाँ 5 रुपए वाले बटन ढूंढूँ, ढूंढेगा इलेक्ट्रिक शॉप पे जा, सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा। अब फूड का बनता है सब वगैरह। अरे अरे मेरी जान, सेट क्यों नहीं? हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान। ये पता नहीं सेट नहीं हो रहा, इसके अलग सर सर जी क्या प्लेट नहीं लगी क्या ढंग से? प्लेट तो सही बैठी यार। ये स्पीकर के तार भी निकल गया, दिखा, बजेगा ही नहीं है। इसको ऑफ कर दो पहले। ऑफ होगा फिर ऑन नहीं होगा, कोई नहीं, जब बटन सही होंगे तभी देख लीजिएगा। ऐसे नहीं होगा फिर वो ना। अबे कॉल लगी कैसे? ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है। आवाज कैसे आ रही है यार? एक तो तार निकला हुआ है। हटे, ये कौन सा तार निकला? अच्छा ग्राउंड मिल रहा होगा बस, कहीं से पावर मिलती है भाई उसे जब ये। तो यार ये वाला वो नहीं काम नहीं कर रहा यार ये। अरे उसमें चल रहा हूँ, इसे प्लेट को पकड़ जब बंद करूँ। हो गया बंद, वो पता नहीं उससे पता नहीं ले नहीं रहा था इस वाले पेज का, शायद कार्बन होगी ना, इस वजह से ब्लैक ब्लैक हो रहा है, इसकी वजह से हो नहीं रहा। चलो इसे पैक करते फिर मिलते हैं। तो गाइज हमारा 1 घंटे जो वीडियो थी उसका चैलेंज पूरा हो चुका है। एक तरह से चैलेंज ही था, मान लिया 1 घंटा मतलब ब्लॉग करना, ब्लॉग करना और आपको बताना, कंटिन्यू बोला हम लोगों ने, किसी ने बोला था हमसे ऐसा करने के लिए तो हमने करके दिखाया, हमने चैलेंज कंप्लीट कर दिया, 1 घंटा हमारा पूरा हो गया है। तो गाइस आपसे एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को 1 घंटे का ब्लॉग अच्छा लगा और आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक देखा है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत राम।